नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 120 सेकंड में। मैं हूं आपके साथ वंशिका सिंह। बात कर लेते हैं ज्ञानवापी विवाद को लेकर। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा का आदेश देने के साथ ही वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश रिटायर हो गए हैं। अपनी न्यायिक सेवा के आखिरी दिन अजय कुमार विश्वेश ज्ञानवापी पर फैसला देकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। अजय कुमार विश्वेश ने ही ASI सर्वे का आदेश दिया था। अब ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का भी आदेश दिया है। ज्ञानवापी परिसर में तहखाने में पूजा का अधिकार व्यास परिवार को फिर से सौंपने का निर्णय कर वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश 31 जनवरी को रिटायर हो गए। अयोध्या मामले में ऐतिहासिक निर्णय देने वाले जजों की सूची में अपना नाम दर्ज कराते हुए अपनी न्यायिक सेवा के आखिरी दिन अजय कुमार विश्वेश ने ज्ञानवापी पर फैसला दिया। जिला जज रहते हुए अजय कुमार विश्वेश ने ही ASI सर्वे का आदेश दिया था। अब ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का भी आदेश उन्होंने ही दिया है। वाराणसी जिला जज की अदालत में साल 2016 में व्यास परिवार ने ये याचिका दाखिल की थी। इस पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में 23 जनवरी को ही दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई थी। वाराणसी में जिला जज बनने से पहले डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश प्रदेश के कई न्यायिक पदों पर रहे। ज्ञानवापी केस की सुनवाई करने के साथ ही उनका नाम चर्चा में आ गया। जिला जज के तौर पर डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की वाराणसी में तैनाती 21 अगस्त 2021 में हुई थी। इसी के साथ ज्ञानवापी विवाद को लेकर हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ABP लाइव।